तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। अगर आपने सीरीज के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो चैनल पर जाकर जरूर से देख लेना किंग ऑफ इरेंगल के पिछले एपिसोड्स, ताकि ये वीडियो आपको समझ में आ जाए, बहुत मज़ा आए आपको देखने में। और आज की वीडियो भाई बहुत ही खतरनाक होने वाली है, तो बिल्कुल बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और आने वाले एपिसोड के लिए हमारे ग्लोब गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक के फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, वहाँ पर अलग से कंटेंट आपको देखने को मिल जाता है। चलो यार, थोड़ा एंजॉय करने के लिए जाने का टाइम आ चुका है। निकलते हैं यहाँ से और थोड़ा लाइफ को चिल मोड पर डालते हैं। और पबजी न्यू स्टेट से तो इनवाइट आ ही चुका है, वहीं चलते हैं। अरे बाबा जी, आप यहाँ? मैं पोसाइडन, हम पहले भी मिल चुके हैं दो बार, याद आया कुछ? हाँ बेटा, मुझे दिखता बेशक कम हो पर मैं देख सब सकता हूँ। मेरे पास कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो मुझे सब चीज़ें दिखा सकती हैं, या कह लो फ्यूचर वाली पावर्स, जिससे मुझे सब पता चल जाता है। वैसे यार बुड्ढे बाबा, आपकी उम्र तो हो ही चुकी है, शक्तियाँ मुझे देखकर टपक जाओ बस। आप धरती पर एक आदमी का वजन कम हो जाएगा, वैसे भी आप इधर उधर घूमते रहते हो जब भी मैं देखता हूँ आपको। अरे ये भी टाइम आएगा, पर अभी नहीं। अभी तो मैं 2050 में से पावर्स लेकर आया हूँ, अभी मरने वाला थोड़ी हूँ मैं। 2050 में से? वो कैसे? आप फ्यूचर में कैसे गए और वहाँ से पावर कैसे लाए, बताओ ना बाबा जी, मुझे भी प्लीज। पबजी न्यू स्टेट से उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है कुछ पावरफुल बंदों को लाने, पर मुझे यहाँ कोई पावरफुल मिल ही नहीं रहा। तू तो खुद अपनी पावर गवाए बैठा है, क्या ही करेंगे तेरा तो। अरे किसने कहा मैं पावरफुल नहीं हूं, ये देखो पावर्स है मेरे पास भी। चलो ठीक है, अभी मैं तुमको चुनता हूँ पबजी न्यू स्टेट गैंग का लीडर, और तुमको लीडर की पावर्स अपने आप मिल जाएंगी जब मैं तेरे ऊपर न्यू स्टेट का ठप्पा लगाऊंगा। हाँ ठीक है, जल्दी ठप्पा लगा दो और मेरे को पावर दिलाओ फ्यूचर वाली। चल फिर ठीक है, तेरे पिछवाड़े पे ठप्पा लगाता हूँ। ये ले, हो गया काम। अब मेरे को क्या करना है ये तो बताओ। तेरे को डेली अलग अलग काम मिलेगा, उसे पूरा करना होगा, पर तू अकेला क्या क्या करेगा? मेरी बात मान और कुछ बंदे अपनी गैंग में ऐड कर ले। और तेरे पास ऐसी पावर्स भी हैं जिसे तू मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है, लेकिन तू वो एक हफ्ते में एक बार ही कर सकता है बस। क्या बात है, अब तो मुझे कोई नहीं मार पाएगा फिर तो। अबे साले, इस वहम में मत रहना, कहीं अपनी कब्र खुद ही खदवा ले, मरने वाले तो तुझे एक थप्पड़ में भी मार देंगे। जा निकल, अपनी गैंग बना ले जल्दी से, फिर इस BGMI को भी तो बदलना है, अपनी न्यू स्टेट की गैंग को यहाँ का किंग बनाकर। ओ सनी, ओ सनी देवल, कहाँ मर गया और पता नहीं कहाँ घुसा बैठा है, आज तो निकल ही नहीं रहा, एक घंटे से आवाज देर जा रहा हूँ। आ गया बॉस, आ गया, बताइए क्या हो गया था, क्यों गला फाड़ के चिल्ला रहे थे? अबे कहाँ था तू, पहले यह बता। अरे बाथरूम में था, और कहाँ था, थोड़ी देर पहले बताया तो था आपको जाने से पहले। थोड़ी देर? अबे भूतने की, उन बातों को 2 घंटे हो चुके हैं, 2 घंटे से तू बाथरूम में नहा रहा था या कबड्डी खेल रहा था? क्यों सबके सामने बेइज्जती कर रहे हो बॉस, बताओ ना क्या काम था। अबे जा अपनी टेस्ला लेकर आओ उन विक्टर गैंग वालों से, सालों को बोला था उसी दिन मेरी गाड़ी वापस देना, लेकिन अभी तक नहीं देखे करे, पता नहीं क्या क्या तोड़े मिलेंगे उस टेस्ला का, जा जल्दी लेकर आ। ओके बॉस, टेंशन नोट, मैं लेकर आया अभी जाकर उनसे अपनी गाड़ी। अरे चाय वाले सुनना यार, तू सारा दिन यहाँ पे चाय बेचता है, यहाँ बहुत लोगों की बातें सुनता होगा, मुझे एक बात बता दे, बदले में 1000 UC दूंगा। 1000 UC में आजकल क्या आता है, महंगाई में 5000 UC दोगे तो साथ में एक राज की बात भी बता दूंगा। ठीक है दे दूंगा 5000। ये बता, इरेंगल में मुझे गैंग बनानी है, मेरी मदद कौन करेगा? पबजी न्यू स्टेट गैंग है मेरी, यहाँ की सारी गैंग से कहीं ज़्यादा बढ़िया है। तुम्हारी मदद तो बस 2-3 ही कर सकते हैं जो पहले से गैंगस्टर है, काला हो गया, फेरो हो गया, गब्बर भी था, उसको भी बहुत कुछ पता है, दिमाग वाला बंदा है वो। और बहुत पहले एक सुखा जी गैंगस्टर भी तो था, वो तो काले की टक्कर का था, काला उसको धोखे से मार कर आया था,
पर अब तो काला और फेरो ही जिंदा है, वही मदद करेंगे अब तुम्हारी। ये दोनों तो मेरी मदद नहीं करेंगे। एक बात बताए राज वाली, ये सूखा गैंगस्टर को कहाँ मारा था? उसकी डेड बॉडी कहाँ पर मिलेगी? मारा तो उसको लिविक में था, डेड बॉडी भी वही मिलेगी, वहाँ के शमशान घाट में देख लेना एक बारी मिल जाए तो। एक राज की बात बताता हूँ, वहाँ एक चाइनीज सा आदमी बैठता है शमशान घाट में, उसको बोलना मैं सुखा जी गैंगस्टर का फैन हूँ, उसकी अर्थी पर मत्था टेकने आया हूँ। ऐसा कुछ बोल देना, क्या पता वो दिखाई दे तुम्हें उसकी कब्र। चल ठीक है, ये पकड़ अपने यूसी, मैं चला, बाय बाय। उत्तरी की, ये तो जादूगर था बे, लगता है जैसे बात कर रहा था कुछ कांड होने वाला है। पर अपने को क्या, अपने को तो चाय बेचने से मतलब है। 5000 यूसी आ गए, कल से चाय के साथ स्टारबक्स की कॉफी भी बेचा करूंगा। ओए भूतनी के वेक्टर गैंग वालों, उतरो, तुम्हारे बाप की गाड़ी है क्या ये? तुम्हारे डांस के लिए नहीं है ये, उतरो नीचे सबके सब। अरे क्या हो गया, गाड़ी ही तो है, इस पर नाच रहे थे हम, हमने कौन सा इसका इंजन तोड़ दिया। काला दी गैंगस्टर ने अपनी गाड़ी लाने भेजा है मुझे, तुम्हारी गैंग का कोई बंदा ये टूटी फूटी बग्घी देकर गया था हमें, और मेरे बॉस ने उसको गाड़ी दी थी टेस्ला कहीं जाने के लिए, ये वापस करो हमारी गाड़ी। अच्छा तो ये खराब टेस्ला तुम्हारी है, ले जाओ इसको, नहीं तो मैं तो मेरे लीडर को बोलकर इसको कबाड़ में फेंकवाने वाला था। नूबड़े फूटी टूटी बग्घी चला रहे हैं और लाखों यूसी की टेस्ला को खराब बोल रहे हैं नूबड़े। टूटी फूटी बग्घी ये तो तुम्हारी होगी, बॉयज अपनी गाड़ी लाना बाहर, दिखाना इनको कितनी अमीर है विक्टर गैंग। हाँ अब बताना कौन क्या चलाता है, विक्टर गैंग कुछ भी कर सकती है, ये बात याद रखना। चल निकल अब, गाड़ियाँ देख ली कहीं टोक ना लगा दे। यार ये तो गजब बेइज्जती हो गई बे, जाकर काला बॉस को बोलता हूँ इन वेक्टर्स की ऐसी तैसी करेंगे और इनसे भी महंगी गाड़ियाँ लेकर आएंगे अब हम। चलो पहुंच गए, यही है यहाँ का शमशान घाट, यहीं कहीं आसपास देखता हूँ वो चाइनीज बंदा कहाँ मिलेगा जो मुझे बता सके सूखा गैंगस्टर की कब्र कौन सी है। मैं एक वीक में एक को जिंदा तो कर सकता हूँ, इसका मतलब है कि मैं अब सब पावरफुल लोगों की टीम बना सकता हूँ जो मर चुके हैं उनको जिंदा करके। ए चमकीला कपड़ा, ए इधर देख, क्या कर रहा था तू इधर, बता मेरे को किस लिए आया है। माफ करना सर, मैं तो सूखा गैंगस्टर का रिश्तेदार हूँ, उसकी कब्र पर थोड़ी देर रोने आया था, मैं तो विदेश में रहता था जब ये मरा, मैं तो आ भी नहीं पाया इसको देखने, प्लीज मुझे बताओ उसकी बेटी कौन सी है। अच्छा कोई नहीं, चलो मेरे साथ, ये देखो ये वाली पेटी है सूखे की सबसे अलग। क्या आप थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ सकते हैं, मुझे अकेले में थोड़ा टाइम बिताना है उसकी कब्र के पास। चलो हो गया काम, अभी पावर से इसको जिंदा करके देखता हूँ होगा या नहीं, अगर हो गया तो इसको लेकर भाग जाऊंगा यहाँ से। कुछ मत बोलना, चुपचाप मेरे साथ चलो, सब कुछ बाद में बताऊंगा। कौन है भाई तू, मेरे को जिंदा कैसे किया तूने, इतने सालों बाद फाइनली, क्या बात है, मैं वापस जिंदा हो चुका हूँ। ये पबजी की ताज़ी ताज़ी हवाएं, ये पबजी की खूबसूरती खुशबू, मज़ा ही आ गया। ये कोई पबजी नहीं रहा, अब ये BGMI हो चुका है और मैं हूँ एक्स सूट पोसाइडन, पबजी न्यू स्टेट गैंग का लीडर। तेरे को भी मैंने ही जिंदा किया है ताकि हम सब साथ मिलकर BGMI गैंग को हरा सके जो काला दी गैंगस्टर और फेरो की है। अच्छा वो काला दी गैंगस्टर अभी भी जिंदा है क्या, साले ने मैनू धोखे नाल मारिया सी उस टाइम ते, हुण उहदा बदला लैण दा टाइम आ गया है। इसलिए ही तो मैंने तुमको जिंदा किया है, काला दी गैंगस्टर से टक्कर सिर्फ तुम लेते थे, अब भी हम उसको हराकर पबजी न्यू स्टेट गैंग को BGMI में किंग बनाएंगे और पूरे BGMI को बदल देंगे।
कालिया देखी चल हुण किवें पटक पटक के मारेगा तेनू सुखा गैंगस्टर। हुण टेरर भाई एक बैड न्यूज़ है, अभी ऑफिस से खबर आई है जीटी में मेरे जाने के बाद क्राइम रेट बढ़ गया है, तो मेरे को वापस वहीं जाना पड़ेगा अब। अरे कैसी बातें कर रहा है यार, अभी तो तेरा ट्रांसफर हुआ था बीजीएमआई में, अभी वापस जीटीए में जा रहा है, ये तो गलत बात है तेरे पुलिस वालों की। अब कर भी क्या सकते हैं भाई, जाना तो पड़ेगा ही। उस ग्लेशियर वुमेन को पकड़ने के लिए बुलाया था मुझे, अब मेरे को वापस जाना पड़ेगा क्योंकि उसको तो पकड़ लिया था। चल छोटे भाई फिर जा, तू ड्यूटी भी जरूरी है, यहाँ और कोई नहीं है मेरी तो जान पहचान का भी, मैं भी वापस इरेंगल ही चला जाता हूँ, वहीं करूँगा जो भी करूँगा। ठीक है भाई, अपना ध्यान रखना, चलता हूँ मैं। इसको क्या ही बताऊँ, अब मुझे इरेंगल जाते ही गब्बर की याद आने लगती है यार, मिस यू मेरे जिगरी यार, मेरे भाई गब्बर मेरे भाई, वापस आ जा प्लीज, तेरी सारी बातें मान लूंगा, बस एक बार वापस आ जा। ओ तेरी, ये क्या हो गया बे, ये कौन था, रोड के बीच में ही खड़ा होना था क्या इसको। इसको तो जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, मेरी गाड़ी भी ठुकी पड़ी है, ये तो चलेगी नहीं, अब एम्बुलेंस को ही फोन करके बुलाता हूँ। तूने ही मुझे गाड़ी से कुचला था ना, देख लेंगे तुझे, वो आ रहे हैं वो तेरी तरफ, तुम बीजीएमआई वालों को ख़त्म करने आ रहे हैं, हमारे पबजी न्यू स्टेट के गैंगस्टर्स, ख़त्म कर देंगे तुमको हम सब। व्हाट द हैक, ये कौन है बुड्ढा यार, जल्दी जाकर काला बोस को बताना पड़ेगा, ये तो मुझसे बहुत बड़ा कांड हो गया, कहीं यहाँ जंग ना छिड़ जाए, जैसे ये बुड्ढा बोल रहा था बीजीएमआई वालों को मारने पबजी न्यू स्टेट वाले आ रहे हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, जल्दी काला बोस के पास पहुँचना पड़ेगा। तो आई होप गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो अभी रुको, वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी इसके ब्लॉपर्स भी तो दिखाएंगे ना आपको लास्ट में, तो उसके पहले एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दबाकर, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। और हाँ एक और अपडेट, चलो फिर ब्लॉपर ही दिखा देते हैं आपको। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, नहीं।